तो व्यूअर्स, एक कमेंट मेरे पास रिसीव हुआ था और जो है उन्होंने ये कहा था कि काइंडली आप मुझे ये गाइड कर दें, मेरी शादी होने वाली है और मैं कौन सी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लूँ और कितने केजी की, क्या प्राइस है, क्या सही रहेगी, कौन सी कंपनी ठीक रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिना जैविन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुश आमदी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप सबका मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, उसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, उन सब के लिए बेहद शुक्रिया। तो चलिए आइए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो व्यूअर्स, एक कमेंट मेरे पास रिसीव हुआ था और जो है उन्होंने ये कहा था कि काइंडली आप मुझे ये गाइड कर दें, मेरी शादी होने वाली है और मैं कौन सी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लूँ और कितने केजी की, क्या प्राइस है, क्या सही रहेगी, कौन सी कंपनी ठीक रहेगी। व्यूअर्स, मैं किसी कंपनी के बारे में खास तौर पर नहीं कह सकती कि आप ये वाली कंपनी बहुत अच्छी है जो यूज़ की जा रही है। देखिए, मैं उसी कंपनी को रिकमेंड करती हूँ जो मैंने यूज़ की है पर्सनली। हम जो शुरू से यूज़ करते आए हैं वो हायर है। हायर की कंपनी की जो वॉशिंग मशीन्स हैं वो बहुत बेस्ट रहती हैं और हम जो है वही कंपनी की वॉशिंग मशीन यूटिलाइज करते हैं। इससे पहले मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, वो भी हायर की थी। प्रीवियस वॉशिंग मशीन जो मेरी ऑटोमेटिक की थी वो भी हायर की थी, और जो अब लेटेस्ट मेरे पास मौजूद है मॉडल वो भी जो है हायर कंपनी के है। तो जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ, जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे अंडर है, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, तो मैं रिकमेंड भी उसी कंपनी को करती हूँ। और बाकी कंपनीज भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी बनाती हैं, नो डाउट, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने इस्तेमाल नहीं की है, मैंने यूज़ नहीं किया है, तो वो मैं रिकमेंड भी नहीं करती। तो अब मैं हायर कंपनी की वॉशिंग मशीन यूज़ करती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं उसी को रिकमेंड करती हूँ। हायर कंपनी की वॉशिंग मशीन मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, हायर कंपनी की वॉशिंग मशीन मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं तो हायर कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ईजिली हायर कंपनी को कॉल करते हैं और वो टेक्नीशियन विद इन 24 आवर्स आपके घर पर होता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसकी सर्विस की वजह से जी भी मैं जो है रिकमेंड करती हूँ। इसके अलावा मैं हायर कंपनी की क्यों रिकमेंड करती हूँ, इसलिए करती हूँ क्योंकि ये रीज़नेबल है, अंडर बजट जो है वॉशिंग मशीन आपके पास आ जाती है और आप इजीली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की ब्लेसिंग को आप इंजॉय कर सकते हैं। फिर नंबर थर्ड, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो वर्क है वो भी बहुत मुझे बेस्ट लगा है, आप ईजिली जो है वो उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्रंट लोड या टॉप लोड के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। हायर कंपनी में फ्रंट लोड भी है, टॉप लोड भी है, इट्स अप टू यू आप क्या लेना चाहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की फीमेल्स को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप टॉप लोड लें। टॉप लोड लेने से ये होता है क्योंकि हमारी फीमेल्स हैं उनमें वैसे ही जो है एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, नी जॉइंट्स वगैरह में पेन शुरू हो जाता है आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी फीमेल्स को हमारे एरिया के हिसाब से जो है पाकिस्तानी रीजन में ये फीमेल्स को प्रॉब्लम होती हैं, तो उसकी वजह से मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप टॉप लोड लें। टॉप लोड में आपको खड़े होकर ही सारे कपड़े डालने हैं, निकालने हैं और कुछ भी उसके वॉशिंग मशीन में सेलेक्ट करना है, आप खड़े होकर ईजिली उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जबकि फ्रंट लोड में आपको जो है झुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, झुककर आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो रिकमेंड आपको पाकिस्तान में मैं यही कहती हूँ कि आप टॉप लोड लें बजाय इसके कि आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लें। अब शादी के बाद जब आप ससुराल जाते हैं तो आपको एक ऐसा ब्रांड लेना होता है ताकि वो पायदार हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, और क्योंकि शादी का मामला होता है आपको पता है एक एक चीज़ पर नज़र होती है। लड़की के जहेज में ये चीज़ आई थी और इतनी देर पर चली और इतनी जल्दी वो ख़राब हो गई, तो इसका डर भी होता है फीमेल्स को, जाहिर सी बातें होना भी चाहिए, एक इज्जत का मामला होता है। तो उसके लिए भी मैं हायर कंपनी को जो है रिकमेंड करूंगी कि आप हायर कंपनी की वॉशिंग मशीन लें, आप उसको वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और पायदार है वो कंपनी, आप आंख बंद करके पे यकीन कर सकते हैं। मेरी वीडियोस के थ्रू परचेज किए बहुत सारे व्यूवर्स ने वॉशिंग मशीन और बहुत अच्छा उनका जो है फीडबैक आया है मेरे पास। इसके अलावा दूसरी कंपनीज भी हैं जैसे डाउलेंस है, किनवुड है, सैमसंग है, ये कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं, मैंने इनके ऊपर भी वीडियोज बनाई हैं, लेकिन चूंकि मैंने यूज़ नहीं की है, मेरे अंडर यूटिलाइज नहीं हुई है, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करती। मेरे रिकमेंड करने की वजह भी मैंने आपको बता दी है। तो ये व्यूअर्स, एक छोटी सी वीडियो थी, बहुत हेल्पफुल होगी आप सबके लिए, मेरी नई बहनों के लिए जो शादी करके ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेके घर जाना चाहती हैं और इन्जॉय करना चाहती हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो उन सब के लिए ये बहुत हेल्पफुल है वीडियो सब। और आप सबको एडवांस मेरी तरफ शादी मुबारक आप सब बहनों को, और अल्लाह आप सबके नसीब अच्छे करे और ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पायदार आपके साथ रहे और
आप इसको इसी तरह यूटिलाइज करें। कोई भी प्रॉब्लम हो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड हो, आप मेरे चैनल पर विजिट करें, आपको हर प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने सारे क्वेश्चन के आंसर आप मेरे चैनल पर मिल जाएंगे ईजिली। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल हिनाज हेवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं पढ़ाई घर को, जो कि हिनाज हेवन की टीम का ही चैनल है। और इसके अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रियान्स प्लेइंग प्लेटफॉर्म को, जो कि छोटे किड्स के लिए चैनल बनाया गया है। मेरा बेटा है रियान, बहुत खेलता है, उसमें प्लेइंग करता है, उसमें लर्निंग कर रहा है। बच्चों के लिए बहुत मोटिवेटेड जो है वीडियोस हैं उसके अंदर, छोटे बच्चों के लिए। और इसके अलावा अगर कोई वॉशिंग मशीन से बहुत ज़्यादा बोर हो गया है कि बस हिनाज हेवन तो बस एक ही टाइप की वीडियो बनाती हैं, वॉशिंग मशीन, तो उससे रिलेटेड मेरा एक न्यू चैनल है जो कि हिनाज हेवन एंड ब्लॉग के नाम से है, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर आपको कुकिंग, ब्लॉगिंग, हर तरह की जो है वीडियोज़ आपको मिलेंगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।